जैसे आपने बोला कि आप 8 नंबर हैं और 2024 हमने सुना है कि बहुत ज्यादा 8 नंबर वालों के लिए कठिन होएगा हो ही रहा है मतलब, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपका आपके लिए हुआ कि आपको लग रहा है कि कठिन है या है क्या? क्या कि ये अधूरा ज्ञान है। ये अधूरा ज्ञान क्यों है? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ से जो पर्सनल ईयर आएगा वो मुझे मारेगा या मुझे सपोर्ट करेगा वो देखने वाली बात है। 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालते तो कैसे निकालेंगे? 11 + 10 + 1982। अब इसको का टोटल करो कितना आया? 11 + 10 + 1982 को टोटल करो कितना आया? 5 आ गया। 5 आया, सही है कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया। तो वो साल अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी, मुक्का लगा, हाँ। मृत्यु शैया पे चले गए, लेकिन उनका मित्र साल था, वो पर्सनल ईयर 5 बचा के ले आया बस। ये फर्क है समझ। तो सर ये पता कैसे चलेगा मित्र है कि शत्रु है? पूरा बताएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कंसल्टेशन के बाद, बिल्कुल। हमें तो हर चीज को गाइड करने की आदत है। आप विश्वास करो या नहीं करो, मेरे पढ़ाए हुए 70% स्टूडेंट जो है जो आज की डेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। 2011 से मैं पढ़ के आया था, थैंक्स टू हमारे पद्मा मैडम जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे लिए मार्केटिंग करती हैं, और थैंक्स टू हमारे राहुल भाई जो हमारे मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसकी मार्केटिंग करी है। मार्केट के अंदर 70% जो भी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग ऑकल्ट साइंस की विद्या पढ़ा रहे हैं वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से पलके गए हैं।